हेलो हाय एवरीवन, स्टॉक टू वन में आप लोग का स्वागत है एंड टाटा पावर की डेली अपडेट में आप लोग का स्वागत है। तो चलिए बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं एंड अच्छे तरीके से डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ टाटा पावर में जो मूव के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, यहाँ पे 457 रुपीज़ पे ट्रेड करते हुए दिख रही है एंड एक अच्छी मूव 2% की एक बहुत बड़ी मूव देखने को मिली है और अच्छा फ्लो देखने को मिल गया। इनफैक्ट वॉल्यूम में भी कोई कमी नहीं, अच्छे लेवल में वॉल्यूम में मेंटेन करते हुए दिखी है। आज की हाई की बात करें तो 459.95 की हाई मेंटेन करते थे कि कोई दिक्कत की बात नहीं, शेयर बहुत बेहतरीन है, अच्छा मूव है। बट अगर आपको याद हो तो मैं कुछ बताया था आप लोगों को, कल के भी वीडियो में बताया था, यहाँ पे एक मेजर गेम हो रही है टाटा पावर में एंड 460 का टारगेट अचीव हो चुका है गाइस। तो कब टारगेट गया था एंड अचीव होते हुए दिख गई है, अब तो कॉन्ग्रेचुलेशन लिख दो, थैंक्स लिख दो, कुछ भी लिख दो यार कमेंट में। बट मेरा कहने का क्या मतलब है, अब आप समझो, यहाँ पे 460 तक का जो हम लोग ने टारगेट रखा था हो गया अचीव, अचीव तो हो गया, बट क्या डिलीवरी लेवल भी इसी लेवल पे बनते हुए दिख रही है, ये सबसे बड़ा डाउट है। ठीक है, तो डिलीवरी लेवल सबके साइड भी ध्यान दे, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिलीवरी लेवल 36.39 पे डिलीवरी लेवल आ चुकी है। बट ये डिलीवरी लेवल आ गई वो ठीक है, यहाँ पे सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, डिलीवरी लेवल कम हो चुकी है, तो हो सके अब पैटर्न चेंज करते हुए दिख सकती है आपको मार्केट में। तो अपना टारगेट अचीव हो गया, बस वो 5 पॉइंट्स का नहीं रहा, बट हाँ पता है लोगों को कि ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। तो अब एक सिंपल गेम जैसा हम लोग पहले करते थे, सब पूछेंगे क्या सर अभी एग्जिट कर ले, एग्जिट कर ले कि नहीं कर ले, ये सारा बहुत कोई के लिए डाउट होगा। तो जो बहुत शॉर्ट टर्म वाला गेम खेल रहे हो ना वो लोग, सर प्लीज़ आप लोग अगर चाहे तो एग्जिट कर लो। अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म वाला गेम खेल रहे हो तो, अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म वाला गेम नहीं खेल रहे हो तो अब आप लोग को क्लियर कर देता हूँ कोई चीज़, कुछ और चीज़ें। सबसे पहला आपका सपोर्ट, अब मतलब शॉर्ट टर्म वालों के लिए भी बता दे रहा हूँ कि अगर नहीं एग्जिट करने का मन है, आप लोग को लग रहा है कि और ऊपर जा सकती है, तो सबसे पहले 455 का अपना सपोर्ट चेंज कर लीजिए। 455 एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट रहेगा आप लोग के लिए एंड नेक्स्ट मूव क्या रह सकता है आप लोग के लिए, तो नेक्स्ट मूव के लिए आप यहाँ पर देख लो। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये दोनों सपोर्ट मैं पहले से भी बनाया हुआ, 455 से अगर आप लोग का डाउन आते हुए दिखे तो आप लोग को एग्जिट करना है। ठीक है, ध्यान रखना 450 एक मेजर सपोर्ट है, 455 एक्चुअली एक मेजर सपोर्ट है, फिर उसके बाद ये सारी भी एरिया एक मेजर सपोर्ट एरिया जहाँ पे आप फोकस रख सकते हो। नेक्स्ट जो अब टारगेट की बात करें तो अभी मैं टारगेट ऊपर का टारगेट अभी नहीं बोल सकता क्योंकि अभी पूरा एनालाइज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट मूव का बात करेंगे। अभी अगर आप लॉन्ग टर्म वाले इन्वेस्टर हो और आपको लग रहा है कि ये डाउन आती है तो यहाँ पर 50-50 वाला आप काम कर सकते हो, यहाँ पे हम अपना टारगेट अचीव हुआ है तो 50% आप सेल आउट कर दो एंड 50% होल्ड करके रखो। एंड जो लॉन्ग टर्म बहुत पहले से बाई किए हुए हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ कि सर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आप लोग के पास रिस्क कर, मतलब होल्ड करने का सिचुएशन ये बन रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 435 तक, उससे ज़्यादा होल्ड मत कीजिएगा, बस उतना ही तक जाइए 435 तक, उससे ज़्यादा होल्ड करने का प्लान मत कीजिएगा, सपोर्ट उतना ही तक है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही गाइस, बट जल्दी जाइए चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे भी क्लिक कीजिए फॉर माई लेटेस्ट अपडेट एंड वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना। जाओ बाय।